नमस्कार। जैसा कि मुझे भी पता चला है कि कुछ वर्कर्स को भी परेशानी आ रही है कि जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वो 2 MB से कम की नहीं है। जब भी आपके फोन में आप फोटो लेते हो तो वो 2 MB से बड़ी ऑटोमेटिकली हो जाती है। पर इसके लिए मैं आपको एक समाधान बताता हूँ जिससे आपकी फोटो का साइज छोटा हो जाएगा बिना किसी अदर एप्लीकेशन की मदद से। तो सबसे पहले आपको इसके लिए 2 फोन की जरूरत पड़ेगी। एक तो जिस फोन में आप फोटो खींचोगे, दूसरा फोन जिसमें आप डाटा अपलोड करोगे। जैसे कि मान लो वर्कर के पास 2 मोबाइल होते हैं, एक मान लो उनका पर्सनल है, अगर वो पर्सनल से फोटो खींचेंगी तो फोटो व्हाट्सएप अपने ऑफिस वाले मोबाइल पे करके तो उसमें से वो डाटा फीड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम फोटो व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं तो उसमें फोटो का साइज ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो इसलिए आप सभी 2 मोबाइल का यूज करें इसके लिए, जो भी डाटा एंट्री मोबाइल में कर रहे हैं। सबसे पहले जिस फोन में फोटो खींचोगे तो आप दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर लीजिए, तब आप उस फोटो को अपलोड कर लीजिए तो फोटो अपलोड हो जाएगी आपको। आपको आपकी वो फोटो उस मोबाइल से अपलोड नहीं होगी जिसमें आपने खींची है, क्योंकि उसका साइज उसमें बड़ा होगा 2 MB से। तो इसलिए आपको दूसरे फोन की मदद थोड़ी लेनी पड़ेगी और जल्द से जल्द आप आपकी डाटा एंट्री कंप्लीट कर लीजिए। एक वर्कर की कम से कम 3 एंट्रियां होनी चाहिए। जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आप हमें सूचित कर दीजिए कि हमारे इस सेंटर की एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं और हमें हर रोज ऐसा करना है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ सकती है तो मुझे फोन या मैसेज कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बार बार मुझे वीडियो शेयर ना करना पड़े, आपको खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मैं आपकी मदद करूंगा पूरे महीने और अदर ICDS प्रोजेक्ट में भी, जिससे कि आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। धन्यवाद।